चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। आखिरकार होली के शुभ अवसर पर भोजपुरी फिल्मों के पावर स्टार पवन सिंह की फिल्म क्राइक फाइटर भोजपुरी बॉक्स ऑफिस पर रिलीज किया गया। जी हां, आपको बता दें कि पूरे भारत में पवन सिंह की फिल्म क्राइक फाइटर को रिलीज किया गया और रिलीज होते ही भोजपुरी बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई करना शुरू कर दिया है। जी हां, आपको बता दें कि पहले दिन पहला शो तो हाउसफुल का बोर्ड लगा ही दिखाई दिया, लेकिन इवनिंग शो भी पहले शो की अपेक्षा ज्यादा भीड़ देखी गई, क्योंकि इवनिंग शो में सभी भोजपुरी दर्शक होली खेलकर सिनेमा घरों में पवन सिंह के सिनेमा क्राइक फाइटर का लुत्फ उठाते हुए नजर आए। ऐसे में सभी भोजपुरी दर्शक यह जानना चाहते होंगे कि फिल्म क्राइक फाइटर का पहले दिन का क्या कलेक्शन रहा होगा। मीडिया रिपोर्ट की खबर माने तो पवन सिंह की क्राइक फाइटर ने भोजपुरी बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन करीब 12 से 15 लाख रुपए का बिजनेस किया है। हालांकि आपको बता दें कि क्राइक फाइटर के फिल्म के प्रोड्यूसर या फिर फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ से अभी तक कोई भी ऑफिशियली डेटा शेयर नहीं किया गया है कि फिल्म ने पहले दिन क्या कलेक्शन किया होगा, लेकिन जिस तरीके से सिनेमाघरों में हाउसफुल का बोर्ड लगा दिखाई दिया उससे यह कहना तय होगा कि क्राइक फाइटर ने पहले दिन करीब 12 से 15 लाख रुपए से ही अधिक का कलेक्शन किया होगा। अब देखना यह है कि क्राइक फाइटर का ऑफिशियली कलेक्शन डेटा कब शेयर किया जाता है। आपको बता दें कि क्राइक फाइटर में सुपरस्टार पवन सिंह का बिल्कुल एक्शन पैक अंदाज दिखाया गया है, जो दर्शकों को काफी ज्यादा पसंद आ रहा है। खास करके पवन सिंह के दमदार डायलॉग पर भोजपुरी दर्शक जमकर सिनेमाघरों में सीटी बजाते हुए नजर आते हैं और उनके डायलॉग को कॉपी करते हुए नजर आते हैं। तो वहीं पवन सिंह करीब 3 साल के बाद भोजपुरी की लुलिया गर्ल निधि झा के साथ जोरदार रोमांस करते हुए नजर आते हैं। तो पहली बार बॉलीवुड प्रदीप रावत के साथ डायलॉग बाजी और उनके साथ जोरदार फाइट सीन दर्शकों को काफी ज्यादा पसंद आ रहा है। ऐसे में अगर आप लोगों ने अभी तक पवन सिंह की क्राइक फाइटर नहीं देखा है तो आप अपने नजदीकी सिनेमा घरों में जाकर फिल्म को जरूर देखें, और जिन लोगों ने पवन सिंह की क्राइक फाइटर देखा है वो हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको पवन सिंह का क्राइक फाइटर कैसा लगा।